हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, पारा मेडिकल 2022 का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में है कि आपके रैंक के अनुसार कौन सा कोर्स मिलेगा, या जो आप कोर्स चाहते हैं, जैसे GNM हो गया, ANM हो गया, या आप OT असिस्टेंट, या लैब टेक्नीसियन, या एक्सरे टेक्नीसियन, या बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो भी आपके दिमाग में कोर्स चल रहा है, क्या वह कोर्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, या आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको बता दें कि जैसे इस वीडियो में सिर्फ हम ANM के लिए बात करेंगे, GNM के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर हम आपको बता चुके हैं। प्रकार से आपको थंबनेल मिल जाएगा, उसमें आपको सारी जानकारी दी गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट एक बनाकर हम डाले हुए हैं, ये चार्ट जो है उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और उसमें अच्छे तरह से समझाया गया है कि आपको किस रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा और कितना रैंक होगा तो आपको GNM कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लें अगर GNM कोर्स करना चाहते हैं तो। और एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इन्होंने कमेंट किया है, तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा है, इसलिए उन्होंने ये कमेंट किया है। और सही में जो कंटेंट मैंने तैयार किया उसमें बहुत समय लगा है, उसमें PDF को तैयार करने में और बनाने में, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा है उसको अच्छे तरह से समझ में आए, क्योंकि मैं खुद पैरामेडिकल में एडमिशन ले चुका हूँ और मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, एडमिशन से पहले क्या होता है और एडमिशन होने के बाद क्या प्रोसेस है। तो जो भी जानकारी है मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उससे आपको हेल्प हो, आपको लोग भी जान सकें, क्योंकि हम भी इस लाइन में आए हैं, तो हम भी क्या प्रॉब्लम होता है, किस प्रॉब्लम से फेस कर किए हुए हैं, तो हमको पता है, इसलिए सारी चीज़ अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए वाला था, तो उस समय क्या किया था कि एक चार्ट तैयार किया था। ठीक है, चार्ट तैयार किया था हर कॉलेज का कितना रैंक गया है और उस रैंक के अनुसार मुझे वहाँ पे कोर्स, कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो मैंने उसमें दिमाग लगाया था। और वही चार्ट के अनुसार नया जो 2021 में एडमिशन हुआ था उसके अनुसार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि सीट कितना है, पूरा ANM जो कोर्स है उसके लिए कितने सीट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर दिया गया है ANM कोर्स ओनली फॉर गर्ल्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ANM जो कोर्स होता है केवल लड़की लोग को मिलता है, और वैसी लड़की जो 12th पास आउट हो और कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे उनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या आर्ट्स हो या आपका साइंस हो, आपको ANM में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ANM सभी को मिल जाता है, जबकि GNM केवल साइंस बैकग्राउंड से होने वाली और वैसी साइंस से जो कि बायो से हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सारे कॉलेज का नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सारे कॉलेज फिर यहाँ पे भी हैं, और इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे कॉलेज हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है कि इस कॉलेज में कितना सीट है, टोटल कितना वहाँ पे सीट है। और उसके बाद बात करें पूरे बिहार में मिलाकर जितने भी सरकारी कॉलेजेज हैं वहाँ पे 4255 सीट है। ठीक है, यानी कि ANM जो कोर्स है 4255 सीटों पर एडमिशन होगा। ये जो PDF है 2021 के लिए है, 2021 में जो एडमिशन हुआ था उसका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो कितना रैंक पर ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि कितना रैंक से एडमिशन शुरू हुआ था और कितना रैंक वाले तो को एडमिशन हुआ था और कौन से कॉलेज में कितना रैंक गया था, कटअप गया था, तो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया, फिर वहाँ पे कौन सा कोर्स में एडमिशन हुआ था, फिर वह कैटेगरी वाइज कितना रैंक गया था, यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया। ये सारी जानकारी हम आपको रैंक जो किस प्रकार से रैंक को समझना है, आपको रैंक के अनुसार कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें बता चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आप बीच अपने से चार्ट बना सकते हैं और खुद बा खुद चेक कर सकते हैं, इसी के अनुसार तैयार किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 27 पेज का ये PDF है, तो इसमें आपको सारे कोर्स का मिक्स करके बताया गया है, तो आपको ANM का सिर्फ खोजना और कैटेगरी वाइज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने एक अलग सा चार्ट तैयार किया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं वो चार्ट को, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतना ही, सिर्फ कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, तो फ्रेंड आपको पहले ही हम दिखा चुके हैं कि कितना सारे कॉलेज था। हम भी एक स्टूडेंट है, मेरा भी पढ़ाई है, तो इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि जो आपको टाइपिंग करके सारा कॉलेज का, सारे कॉलेज में कितना गया कटा बता सके। आप भले कमेंट कीजिएगा तो हम ढूंढ के एक एक बता सकते हैं, अगर किसी को जानना हो कि किस कॉलेज में उनका एडमिशन होगा। यहाँ पे तो हम पूरा ओवरऑल बता देंगे कि आपको अगर इतना रैंक है तो आपको एडमिशन ज़रूर हो जाएगा, मगर कॉलेज भाई आपको PDF तैयार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें टाइपिंग लगता है, समय लगता है बनाने में। तो आप इतना भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या देना है,
पहले तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या याद ध्यान में रखना है, जो आपका रैंक कार्ड जारी किया गया है तो कुछ इस प्रकार से आपका रैंक कार्ड होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले पैरामेडिकल ओपन रैंक, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया होगा, उसके बाद यहाँ पे ओमेन जो कैटेगरी है उसके बारे में दिया गया है। हम इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो भी ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है, जो ओपन रैंक है, ठीक है। तो ओपन रैंक में आपको यहाँ पे दिया गया है जनरल रैंक, ठीक है। तो ये आपका यूआर का मतलब है जनरल रैंक है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से नहीं है, तो आपका मेन जो होगा यहाँ पर सिर्फ जनरल दिया हुआ, तो उसी को बेस पर ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो कि कॉलेज मिलेगा नहीं, तो वही कमेंट कीजिएगा। कैटेगरी में क्या होता है कि अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, डीक्यू हो गया, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी रैंक दिया हो गया होगा। तो जो भी लोग कैटेगरी से होंगे जिनका कैटेगरी रैंक यहाँ शो कर रहा होगा, तो सिर्फ अपना कैटेगरी रैंक ध्यान में रखेंगे। और जो भी लोग का ये सब रैंक नहीं दिया होगा, सिर्फ जनरल रैंक दिया होगा, तो अपना जनरल रैंक ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल के लिए, तो जो लोग जनरल से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो ठीक है, जनरल से आते हैं, तो उनका अगर रैंक 1 से लेकर 11,800 के बीच है, ठीक है, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और उस कोई कोर्स एएनएम कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, जो लोग जनरल कैटेगरी से होंगे और उनका रैंक 1 से लेकर 11,800 के बीच होगा, यानी लगभग 12,000 के आसपास रैंक होगा, तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मगर इससे ज़्यादा होगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर उनका 10,000 रैंक है या 9,000 प्लस रैंक है समथिंग, तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मगर वही 13,000 रैंक होगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा, अगर वह जनरल से आते हैं तो। जिनका रैंक जैसे 1 से लेकर 100 के बीच होगा, तो उनका क्या होगा कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया। अगर उस 100 से लेकर 200 के बीच होगा, तो उससे जैसे जिसका रैंक ज़्यादा होगा कॉलेज का, उसमें एडमिशन होगा, तो आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो जिनका अच्छा रैंक होगा उन्हीं को बेस्ट कॉलेज मिलेगा, मगर आपका एडमिशन जो है 11,000 के अंदर अगर आपका है, तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जो कि आपका एडमिशन एएनएम में हो जाएगा, अगर आप जनरल से हैं। अब बात करते हैं EWS के, तो EWS में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है, कि आपका रैंक अगर 1,000 से लेकर 2,000 के अंदर है, यानी आपका कैटेगरी रैंक EWS का कैटेगरी जो आपका शो कर रहा होगा, तो उसमें अगर आपका रैंक जो है 2,000 के अंदर है, ठीक है, तो आपका आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एनएम में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीसी के लिए, तो बीसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 6300 दिया गया है। ये अप्रोक्स हम लिखे हुए हैं समथिंग, इसमें 6300 से कुछ 10-15 प्लस हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो 1 से लेकर अगर 6300 के बीच आपका रैंक है, इसमें कहीं भी आपका रैंक हो, इसमें कोई भी डिजिट हो 1 से लेकर 6300 के बीच में, तो आपको आराम से कोई ना कोई बीसी कॉलेज मिल सकता है। अगर आप ईबीसी से आते हैं, तो ईबीसी में आपका कैटेगरी रैंक जो जारी किया गया होगा, तो उसमें अगर 1 से लेकर 5500 के बीच में आपका कोई भी कैटेगरी रैंक है, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट में, देख सकते हैं एससी के लिए, तो एससी जो कैटेगरी रैंक से आपका अगर बात करें, तो 1 से लेकर 2300 के बीच, यानी 2300 के आसपास अगर हो आपका रैंक, तो आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है, इससे अगर 200 या 300 ज़्यादा आपका रैंक है, तो संभावना कम है। मगर कि आपको ये बात ध्यान में रखना है, रैंक आपका कितना भी हो, अगर इससे भी ज़्यादा है, तो आप जरूर काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। चूज फिलिंग पहले किया जाता है, चूज फिलिंग के बाद आपको एक बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है कि कॉलेज नहीं मिला है, तो आप ज़रूर चूज फिलिंग कर लीजिएगा। उस पर वीडियो आ जाएगा, उसमें अच्छे तरह से समझाया जाएगा कि इस प्रकार से आपको चूज फिलिंग करना है। और जो लोग को जैसे कि चूज फिलिंग में क्या होता है कि कुछ बच्चों का ये रहता है कि कोई भी टॉप कॉलेज हमको मिले, या कुछ चाहते हैं कि मुझे आसपास जो कॉलेज है मेरे घर के पास वही मिल जाए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, या कुछ चाहते हैं कि कहीं भी कोई कॉलेज मिल जाए, तो वो उसी के अनुसार से अपना चूज फिलिंग करेंगे। पहले उस कॉलेज को रेफरेंस देंगे, क्योंकि पहले जो आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, उसी में आपका एडमिशन होने की संभावना रहता है। पहले ऊपर से चेक किया जाता है, अगर पहला आपका रैंक पहला जो चूज किया होगा अगर आपके अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो सेकेंड वाला देखा जाएगा। अगर सेकेंड वाला भी नहीं होगा, तो आपको तीसरा जो आप चूज किए होंगे तो वह देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करके आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कितना भी रैंक हो चूज फिलिंग करना है। और जो भी स्टूडेंट हैं जिनका रैंक इसके अंदर है और कैटेगरी वाइज, तो उनको जरूर ना जरूर एएनएम कॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।